Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Ishfaq. So today our topic is the torsional pendulum or torsional oscillators. Second lectures में हम applications को discuss करेंगे. तो so उसकी जो पहली application है वह जी torsional pendulum और torsional oscillators. अब दो बातें हैं, एक है torsional और दूसरा है oscillators. हम पहले torsional और pendulum को discuss करते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है. जी पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय द टॉर्शनल. सो द वर्ड टॉर्शनल मीन ट्विस्ट. एनीथिंग दैट प्रोड्यूस द ट्विस्ट इन अ बॉडी इज नोन एज टॉर्शनल. इसके बाद हम बात करते हैं जी कि पेंडुलम क्या होता है. पेंडुलम का जस्ट मीनिंग है सस्पेंशन, यानी लटकन. किसी चीज़ को आप सस्पेंड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एक बोब ले लेते हैं, लोहे की गोली ले लेते हैं, उसको हम एक डोरी के साथ सस्पेंड कर देते हैं, तो उसे हम पेंडुलम का नाम दे सकते हैं. इसके साथ साथ कंसेप्ट कब आया? सबसे पहले पेंडुलम का कंसेप्ट गैलीलियो ने दिया. 1620 के अंदर कंसेप्ट दिया गया पेंडुलम का, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया. विद द पासेज ऑफ अ टाइम 1930 के अंदर आके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के बाद ही सिंपल पेंडुलम को डिस्कवर किया गया, और फिर थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटल बेस इसको पब्लिश कर दिया गया. अब हम बात करते हैं कि हमारा टॉर्शनल पेंडुलम होता क्या है. बेसिकली ये टॉर्शनल पेंडुलम की फिग है. इसमें हम एक स्पोर्ट ले लेते हैं, उस स्पोर्ट के साथ हम एक डोरी को लटका लेते हैं, और एक डिस्क टाइप यानी लूप टाइप हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं गोल, जो इसके सेंटर में से इसको अटैच कर लेते हैं. सेंटर में से जो वेट है वो एग्जैक्टली डाउनवर्ड है. अब हम जैसे हम पेंडुलम को मूव करवाते हैं, अब दो पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया, ये ए है ये बी है. अब हम इसको रोटेट करवाते हैं. लेट के इस पॉइंट्स पे मैं इसको रोटेट करवाता हूँ. जब मैं यहाँ से पकड़ के इसको ये इस पॉइंट्स के ऊपर ले आऊँगा, इसके अंदर डेफिनेटली एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा. उस टॉर्क को मैं नाम दूंगा टॉर्शनल टॉर्क. ये टॉर्शनल टॉर्क आ जाएगा. लेकिन जब ये मेन पोजिशन से थोड़ा मूव करके यहाँ पर आया, तो इट्स मीन कि जितना डिस्टेंस इसने यहाँ पे कवर किया, उतना ही डिस्टेंस ये यहाँ पे कवर करेगा. अब यहाँ तक तो हमने टॉर्शनल टॉर्क का नाम दे दिया, लेकिन अगेंस्ट यहाँ तक हम दूसरे टॉर्क को हम नाम देंगे रीस्टोरिंग टॉर्क का. अब ये दोनों टॉर्क क्वांटिटी में तो इक्वल हैं, लेकिन साइन में एक दूसरे के अपोजिट होंगे. अब जी अब हम बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की, के टॉर्शनल ऑसिलेटर की मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है. सबसे पहले मैं इस पॉइंट को डिस्कस करता हूँ. टाई डायरेक्टली टू थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. के डिस्क किस किस एंगल पे रोटेट कर रही है. जैसे हमने पढ़ा था कि एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली टुवर्ड द मेन पोजिशन नेगेटिव डिस्टेंस के. सेम लाइक दैट टॉर्शनल टॉर्क इज डायरेक्टली टू माइनस थीटा के. अब अगर प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो सब मैं कांस्टेंट्स यूज कर दूंगा. वेयर के इज अ कांस्टेंट, दैट इज नोन एज टॉर्शनल कांस्टेंट्स. इसको हम टॉर्शनल कांस्टेंट्स का नाम दे रहे हैं. अब अगेन मैं न्यूटन सेकेंड लॉ को डिस्कस करूंगा. दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए. अगर हम इसकी एंगुलर फॉर्म बनाएं तो टाई इज इक्वल टू आई अल्फा. दैट इज द एंगुलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं. लेट इस इक्वेशंस को मैं अल्फा का नाम दे रहा हूँ, और इस इक्वेशंस को मैं बीटा का नाम दे रहा हूँ. अगर आप देखें तो यहाँ पे भी टाई, यहाँ पे भी टाई, तो मैं दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ. कंपेयर अल्फा एंड बीटा. सो न्यू इक्वेशंस, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा. अब मैं के को आई को बोथ साइड के ऊपर डिवाइड कर देता हूँ, तो माइनस के ओवर आई दैट इज इक्वल टू थीटा. अल्फा इज इक्वल टू माइनस के ओवर आई इन टू थीटा. ये एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई. अब इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू माइनस के ओवर आई इन टू थीटा. अच्छा, अगर हम अल्फा को देखें तो अल्फा बेसिकली एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन. सो अगर इसकी डेरिवेटिव फॉर्म लिखूं तो अल्फा इज इक्वल टू डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर. अगर इसकी वैल्यू पुट करो तो डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर दैट इज इक्वल टू माइनस के ओवर आई इन टू
थीटा, ये तो इसकी एंगुलर सॉल्यूशंस आ गया। अब मैं बात करता हूं एसएचएम का लीनियर सॉल्यूशंस। एसएचएम की हमारे पास जो लीनियर फॉर्म आई थी उसको जो हमने सॉल्यूशन निकाला था वो आया था जी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इन टू एक्स। ये इसका लीनियर सॉल्यूशन था, ये एंगुलर सॉल्यूशंस। अब हम लीनियर सॉल्यूशंस और एंगुलर सॉल्यूशंस के पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर किसके करेस्पोंडेंस है। अगर अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले जो पैरामीटर है वो थीटा है, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे एक्स है। इट्स मीन कि थीटा किसके करेस्पोंडेंस है, एक्स के। थीटा करेस्पोंडेंस टू एक्स है। नंबर टू, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, यानी टी टी के करेस्पोंडेंस है, के करेस्पोंडेंस है, लेकिन यहाँ पे जो आई है ये एम के करेस्पोंडेंस है, और फिर अगेन ये वाला थीटा किसके करेस्पोंडेंस है, एक्स के करेस्पोंडेंस। अब इसका सोल्यूशन हमने निकाला था वो आया था एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉस एन टू ओमेगा टी प्लस वाई। सॉल्व करके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका सोल्यूशन निकाला था। अगर इसी सोल्यूशन को जहन में रखते हुए इसका हम सोल्यूशन निकालें तो ये सोल्यूशन बनेगा थीटा इज इक्वल टू थीटा एम कॉस एन टू ओमेगा टी प्लस वाई। सिंपली आपने ये करना है कि जहां जहां पे थीटा है इसको आप रिप्लेस कर दें एक्स में, और जहां पे थीटा एम है इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं एक्स एम में। अब ये डिस्प्लेसमेंट है जबकि ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। सो हमारा जो सोल्यूशन आया थीटा इज इक्वल टू थीटा एम कॉस इन टू ओमेगा टी प्लस वाई। अब हम बात करते हैं कि ओमेगा क्या है। हेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के ओवर एम अंडर रूट के इक्वल है, ठीक है जी। लेकिन ये लीनियर में है, अगर हम बात करेंगे एंगुलर में तो ये आई ओवर एम के अंडर रूट के इक्वल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि टाइम पीरियड इसका क्या होगा। तो टाइम पीरियड टाई इज इक्वल टू टू पाई आई ओवर के अंडर रूट। ये टॉर्शनल पेंडुलम का टाइम पीरियड, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो ये इसके रेसिप्रोकल आ जाएगी।